नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है और इससे ये साफ हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान से साफ हो गया है कि जो गलती बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में की थी वो गलती 2025 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं करने जा रही है। दरअसल किशनगंज में अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी चुनाव, माफ कीजिएगा, इस बार का विधानसभा चुनाव चेहरा घोषित कर लड़ेगी। यानी कि ये पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि सीएम पद का चेहरा कौन है, किसके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी को अगर बहुमत मिलता है, बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये क्लियर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान। किशनगंज में उन्होंने कहा है, आप जानते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया था, चेहरा घोषित नहीं किया था, और इसीलिए नीतीश कुमार तब भी महागठबंधन का हिस्सा थे और नीतीश और बीजेपी आमने सामने थे। नीतीश कुमार ये सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर नरेंद्र मोदी बिहार का सीएम बनेंगे, आखिर बीजेपी का सीएम पद का उम्मीदवार कौन है, सीएम का चेहरा कौन है, और जाहिर तौर पर तब बीजेपी बैकफुट पर चली जाती थी। तो ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि लोकसभा चुनाव में हम 35 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और लोकसभा चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस होगा उसी परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये भी दावा उन्होंने कहा है। और एनडीए में जो टूट हुई है, नीतीश कुमार अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, उसको लेकर भी अमित शाह ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें एहसास था कि एनडीए में टूट होगा और लगातार वो सीएम नीतीश कुमार से बात करते रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वह बगैर कारण अलग हो गए। ये आरोप निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।